दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो को बताने वाला हूँ जो कि YouTube चैनल का जो एडसेंस अकाउंट होता है, तो उसमें जो कि टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, पैन कार्ड नंबर वहाँ पे देना पड़ता है। अगर आप पैन कार्ड से अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को अगर सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जितना भी YouTube से अर्निंग होगा तो उसमें जो कि 24% इनकम टैक्स का कट जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इसको टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को अगर फिलअप कर देते हैं, अगर सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद दोस्तों US से जितने भी व्यूज़ आएंगे तो उन्हीं व्यूज़ का जो कि 15% यूट्यूब जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म में जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाएगा। तो आप उसके बाद दोस्तों 15% आपका टैक्स कटेगा सिर्फ और सिर्फ US के व्यूज़ में ही। आपका जो भी इंडिया से व्यूज आएगा तो उन व्यूज़ का आपको टैक्स नहीं देना, बस US व्यूज़ का आपको टैक्स देना है, वो भी 15%। तो दोस्तों, कैसे जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, कैसे इसको सबमिट किया जाता है, चलिए इस वीडियो में आपको पूरी स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल का टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एडसेंस अकाउंट को ओपन करना होगा। तो मैंने अपने यहाँ पे एडसेंस अकाउंट को ओपन किया हूँ और उसके बाद दोस्तों आपको सामने सबसे ऊपर में आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जो कि इन नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे जो कि मैनेज जो कि देख सकते हैं मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, अगर आपका ये जो कि नोटिफिकेशन अगर गायब हो जाता है किसी कारण से, अगर डिसमिट कर देते हैं इसको पहले से, तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको अपने जो कि यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे फिर से जो कि वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रेड कलर में देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है मैनेज टैक्स इन्फो पर। और जैसे दोस्तों मैनेज टैक्स इन्फो पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है जो कि इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है एड टैक्स इन्फो पर। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे एड टैक्स इन्फो पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसका दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दूसरा जो कि एक दूसरा पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो कि यहाँ पे पासवर्ड फिल करना पड़ता है। तो मैं अपना यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल का पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है, सबसे पहले इंडिविजुअल और आपको यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंडिविजुअल पर, इस प्रकार से क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और जैसे भी यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फिर से जो कि यहाँ पे ओपन होता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एस और नो। तो यहाँ पे जो कि क्या पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे पूछ रहा है जो कि क्या आप US में रहते हो। तो मैं US में नहीं रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं नो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कि दो जो कि पहले से फिल कर चुके हैं और आपको यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्या करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आपका एक बिजनेस है तो आप बिजनेस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल पर आपको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऊपर वाला पर टिक अप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कि दूसरा फॉर्म ओपन होगा, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों इस प्रकार का कुछ यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे नेम आ जाएगा, आपका जो भी नेम है। तो मेरा नाम है प्रवीण कुमार, तो मेरा नेम यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि अगर आपका एक बिजनेस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। इसको खाली छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कंट्री। तो आपको यहाँ पे कंट्री पर क्लिक करना है इस प्रकार से, और आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से इंडिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे इंडिया पर क्लिक कर दिया हूँ। और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फॉरेन टीन, तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर करना है। मैं अपना यहाँ पे पैन नंबर को इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अपने यहाँ पे पैन नंबर इंटर कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बस आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का फिर से पेज देखने को मिलेगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना सेम उसी एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना है जो एड्रेस अपना गूगल एडसेंस अकाउंट में दिए हैं। तो मैं अपना यहाँ पे एड्रेस को फिल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे इस पर टिकअप कर देना है। टिकअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस अपना फिल कर लेना है। चलिए मैं अपना यहाँ पे सेम एड्रेस को फिल कर लेता हूँ। और फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे पोस्टल एड्रेस जो कि सेम, तो आपको इस पर अगर आपका सेम है तो इसको आपको यहाँ पे सेम पर टिकअप कर देना है।
और टिकअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे जो कि नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस वजह से सबसे पहले आपको अपने एक बार जो कि चेक कर लेना है अच्छी तरह से। तो इस वजह से मैं यहाँ पे चेक कर लिया हूँ। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि आपका एड्रेस यहाँ पे शो हो जाता है, जो कि यहाँ पे। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो कि सारा एड्रेस देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे 3 नंबर में एक ऑप्शन मिलता है टैक्स ट्रेटी। तो आपको यहाँ पे टैक्स ट्रेटी पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और एस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस पर भी टिकअप कर देना है। टिकअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो कि कंट्री सिलेक्ट करना है अपना। तो चलिए मैं अपने यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कंट्री मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया अपना। और कंट्री सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है सर्विस पर इस प्रकार से। और सर्विस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आर्टिकल। तो आपको आर्टिकल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आर्टिकल 7 पर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस प्रकार से। और आपको यहाँ पे साइड में मिलता है इस पर, तो आपको इस पर यहाँ पे 0% आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस पर भी टिकअप कर देना है। इस पर टिकअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस पर भी टिकअप करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस पर आर्टिकल पर आपको यहाँ पे आर्टिकल 12 पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे विडिंग जो इस पर मिलता है, तो आपको यहाँ पे 15% आपको यहाँ पे ट्रेडी रख देना है। तो 15% रखने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस पर भी टिकअप कर देना है कॉपीराइट पर। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस बार आर्टिकल पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे आर्टिकल ये जो कि 12 ले लेना है। और आपको यहाँ पे विडिंग रेट जो देखने को मिलता है, इस पर आपको यहाँ पे 15% ले लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस पर भी टिकअप कर देना है। और इस पर टिकअप करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरा फॉर्म पूरी तरह से यहाँ पे फिल हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस पर जो कि आई कन्फर्म पर क्लिक करना है। इस पर टिकअप करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है जो कि आपका फुल लीगल नेम। तो आपको अपना सही सही नेम आपको यहाँ पे अपना फिल कर लेना है। तो मैं अपना नेम यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको अपना नेम का यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना है। आपको सही सही अपना नेम को फिल करना है इस प्रकार से। तो मैं अपना यहाँ पे PRWN प्रवीण कुमार इस प्रकार से सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एस पर क्लिक कर देना है। और एस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का जो कि पेज मिलता है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो ए सेक्शन मिलता है, आपको यहाँ पे नो पर क्लिक कर देना है। और नो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस पर जो कि टिकअप कर देना है। और टिकअप करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आता है, जो कि अगर आपका एडसेंस से पैसा आपको मिल चुका है, तो आपको यहाँ पे नीचे पर टिकअप करना है। अगर आपने अभी तक जो कि पेमेंट नहीं मिला आपको यूट्यूब से, तो आप यहाँ पे ऊपर पर टिकअप करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो कि नीचे पर टिकअप करता हूँ, क्योंकि मैं अपना पेमेंट जो कि ले चुका हूँ। और फिर आपको यहाँ पे जो कि इस पर भी टिकअप कर देना है। टिकअप करने के बाद आपको जो ये चेंज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने, और उसके बाद दोस्तों आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो कि पूरी तरह से यहाँ पे सबमिट हो चुका है। इस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे 15% क्लेम टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी 15%, यहाँ पर 0% आपका यहाँ पे मुझे जो कि अप्रूवल भी मिल चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 अप्रैल को मेरे यहाँ पे अप्रूवल भी साथ ही साथ हो चुका है। तो इस प्रकार से जो कि इसको सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस अपना होम पर चल जाना है। तो इस प्रकार से इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करना।